वडोदरा जिला भाजपा में बिगड़ी वैसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वडोदरा जिला भाजपा प्रमुख वैसे अश्विन पटेल ने आज स्वैच्छिक अपना इस्तीफा दिया था, जहां उनके खाली बने वैसे पद पर आखिरकार सतीश पटेल उर्फ नेसाड़िया की वर्नी की गई। वडोदरा शहर भाजपा में बिगड़ी वैसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आखिरकार जिला भाजपा प्रमुख वैसे अश्विन पटेल द्वारा अपना स्वैच्छिक इस्तीफा दिया गया। नए प्रमुख के तौर पर सतीश पटेल उर्फ नेसाड़िया की वर्नी की गई है। वडोदरा जिला में 5 में से 3 विधायक भाजपा की सरकार में होने के बावजूद अपनाए गए वैसे आंदोलन के मार्ग के चलते भाजपा की स्थिति काफी बिगड़ी थी, जो परिस्थिति का कोई भी अंत नहीं आते हुए जिला भाजपा प्रमुख वैसे अश्विन पटेल पर ही इसे जिम्मेदार ठहराने के बीच आज आखिरकार उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत कारणों के चलते अपना इस्तीफा स्वैच्छिक रूप से दिया गया, जो इस्तीफा देने के साथ जिला भाजपा में मानो भूचाल आने का भी माहौल गर्म बना था। ऐसे में जिला भाजपा प्रमुख अश्विन पटेल हाल ही में वागुड़िया विधानसभा के चुनाव हारे थे, जिसमें उन्हें हराने के लिए भाजपा के ही कुछ होदेदार भी काफी सक्रिय होने का खुलेआम चर्चा बना था। तो वहीं दूसरी ओर बरुआ डेयरी के शुरू किए गए वैसे आंदोलन के चलते जिला भाजपा की भी स्थिति बिगड़ी है। ऐसे में जिला भाजपा प्रमुख के पास से इस्तीफा लेने के बीच ये तमाम परिस्थितियों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराने के बहाने से उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है, जहां भाजपा प्रदेश महामंत्री और हेडक्वार्टर इंचार्ज प्रदीप सिंह वाघेला अंतर्गत भाजपा प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल द्वारा वडोदरा जिला प्रमुख के व्यक्तिगत कारणों को जिम्मेदारी संभालने में प्रतिकूलता होने का दर्शाते हुए इस्तीफा दिया गया है, जहां आज आखिरकार खाली बनी वैसी ये जगह पर वडोदरा जिला भाजपा प्रमुख के तौर पर सतीश पटेल उर्फ नेसाड़िया की वर्नी की गई, जहां आज उनके तमाम कार्यकर्ता होदेदार द्वारा नई वर्णी यानी कि वडोदरा जिला भाजपा प्रमुख के तौर पर उनकी वर्णी करते हुए उन्हें शुभकामना दी गई थी। पूछो सेना मारे मारे राजीनामों नहीं आपु पड़ियो। हमारा भारतीय जनता पक्ष ने एक प्रक्रिया छे कि दरेक मानस ने एक जने आगी जिंदगी जो एक पोस्ट आपीने बैसे तो बीजा क्या थी तैयार थे, એટલે એમની પ્રક્રિયા છે ખૂબ સારી છે અને એ પ્રક્રિયાને હું ખૂબ વખાણું છું અને જે છે એ ઘણું સારું છે। રાજીનામું આપી અને હું ખુશ થયો છું, કારણ કે બીજા લોકોને પણ આનો ચાન્સ મળે છે। રાજ્યના ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ આદરણીય સી આર પાટીલ અને એમના આખા સંગઠનના હોદ્દેદારોએ જ્યારે મારી પર જવાબદારી આપી છે ત્યારે આ જિલ્લાને કેવી રીતે બધાને સાથે રાખીને આગામી લોકસભાની ચૂંટણી 3-3 સીટો જીતાય અને અગાઉના મત કરતાં પણ વધુ મતેથી જીતાય એવા અમારા પ્રયત્નો છે। કોઈ વિરુદ્ધમાં નથી, પાર્ટીની અંદર ઘર હોય તો ઘરની અંદર પણ નાના મોટા પ્રશ્નો આવતા હોય છે, આ તો ઘરના જ પ્રશ્નો છે। ત્યારે પ્રદેશ પ્રમુખ અને અમારા પ્રભારી મંત્રી આ બધાને સાથે રાખીને એનું પણ નિરાકરણ લાવીશું। એ વિષય મને ખબર નથી, પણ જે કે કશે એ સંગઠનના અમારા ટોપના નેતાઓ સંગઠનના સાથે બેસીને એનો નિર્ણય કરીશું। એવું કશું હોતું નથી, કદાચ નાની મોટી અણસમજ હોય તો એનો નિકાલ કરવાનો અમારા સંગઠનના હોદ્દેદારો પ્રદેશમાં બેઠા છે, મંત્રીમંડળના સભ્યો પણ છે, એ બેસીને અમે એનો નિરાકરણ લાવીશું। પ્રદેશમાં સાચી સચોટ વાત પહોંચાડીને આનો નિરાકરણ કેવી રીતે આવે અને બધા જ ભેગા થઈને આનો નિરાકરણ લાવીને જિલ્લાની અંદર શાંતિ રહે એવા પ્રયત્ન કરીશું।